तो दोस्तों वन पीस एनीमे के लाइव एक्शन के सक्सेसफुल होने के बाद हम लोगों को फाइनली देखने को मिल रहा है और एक लाइव एक्शन। ये किसी एनीमे का लाइव एक्शन तो नहीं है, ये है अमेरिकन कार्टून का लाइव एक्शन जो बचपन में हम सभी लोगों ने एक बार तो देखा ही होगा, लेकिन मेरे को उतना याद नहीं है। लेकिन फाइनली कल शुक्रवार को इसका फर्स्ट टीजर है वो दिखाया गया हम लोगों को, और ये कार्टून कोई और नहीं, ये है अवतार द लास्ट एयर बेंडर। आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा। और दोस्तों देखो, नेटफ्लिक्स में वन पीस जो एनीमे का लाइव एडेप्टेशन था वो बहुत ही बड़ा हिट हुआ, और उसके बाद इन लोगों ने और भी बहुत सारे लाइव एक्शन, मतलब एनीमे के लाइव एक्शन एडेप्टेशन अनाउंस किए थे, जिनमें से एक ये था और एक था माय हीरो एकेडमिया। तो दोस्तों ये जो अवतार द लास्ट एयर बेंडर है, ये बहुत पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था इसके, और शायद हम को टूडम इवेंट में इसका कुछ दिखाया गया था, मतलब इसका कुछ अनाउंसमेंट वीडियो ऐसे दिखाया गया था और वो मैंने देखा था। बट मैं इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड था कि यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन फाइनली आज जब मैंने इसका टीजर देखा, वो देख के मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि ये जो टीजर है वो हम लोगों को देखने में एक होप देता है कि हाँ नेटफ्लिक्स कुछ कर रहा है, मतलब इन लाइव एक्शन जो एडेप्टेशन हो रहा है नेटफ्लिक्स के अंदर वो कुछ कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है इन लोगों के अंदर। क्योंकि आप लोग इसका सेट डिजाइन, आप लोग इसका फील सब लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों को दिखाया नहीं गया। ऑब्वियसली ये सब एक टीजर था, ये सब कितने मिनट का था, वन एंड हाफ मिनट का था, कुछ ऐसा था। बट ये जो टीजर हम लोगों को दिखाया गया, जितना भी हम लोगों को विजुअल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं वो सभी हम लोगों को देखने में प्रॉमिसिंग लगता है। मतलब वो जो आग वाला सीक्वेंस, जो हम लोगों को उड़ने वाला सीक्वेंस दिखाया गया, जो हम लोगों को फाइटिंग सीक्वेंस थोड़ा दिखाया गया, जो हम लोगों को कैरेक्टर सीक्वेंसेस हम लोगों को दिखाया गया, सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों को दिखाया गया, वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया यहाँ पे, और वो सब लोग प्रॉमिसिंग लग रहे थे। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है एंग, और उसके बाद कतारा, उसके बाद को हम लोगों को उनके फर्स्ट लुक जो है वो देखने को मिल गया। तो उसके बाद हम लोगों को उसका पेट आपा को भी दिखाया गया, जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था जो दिन वो सब उड़ रहे थे। लेकिन हम लोगों को जो एंग का जो हम लोगों को फर्स्ट लुक दिखाया गया वो देखने में, देखो वो हम लोगों को थोड़ा छोटा लग रहा है। देखो मैं भी जज नहीं कर रहा इसको, बट वो ठीक ठाक लग रहा है। कतारा का जो फर्स्ट लुक हम लोग को दिखाया गया वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। उसके बाद जूको का फर्स्ट लुक वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसके स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बता देता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो अराउंड होने वाली है द फोर एलिमेंटल्स ऑफ वर्ल्ड, फायर, वाटर, एयर और अर्थ। ये जो चार पावर्स है अर्थ के अंदर, उनके अराउंड ये स्टोरी जो है हमारी चलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है एंग, वो यहाँ पे द लास्ट एयरबेंडर, मतलब उसके बाद कोई और एयरबेंडर नहीं होगा यहाँ पे, वो लास्ट एयरबेंडर है। और वो एक प्रोफेसी भी है कि वो जो हमारा लास्ट एयरबेंडर होगा वही अवतार होगा, मतलब उसके पास पावर होगा कि ये चार जो एलिमेंटल्स पावर है वो सब इन सबको कंट्रोल कर पाए। मतलब एंग ये सब जो फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ये चारों जो पावर है ये वो कंट्रोल कर सकता है। तो इतना ही मेरे को पता है, इसका सिनॉप्सिस यही होने वाला है। तो वो देखने में तो बहुत ज्यादा हम लोगों को इंटरेस्टिंग कोई लग रहा है, लेकिन दोस्तों टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इसके बारे में कुछ उतना याद नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही पहले देखा था। लेकिन ये जब मैंने देखा ना, ये मुझको बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा, और मैं इसको जरूर देखूंगा। क्योंकि देखो हम लोगों को ये सब चीज़ें सपोर्ट करनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने वन पीस को सपोर्ट किया कि उसके लाइव एक्शन को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे, और वो फाइनली हुआ, और उसके बाद इसका सीजन टू भी हम लोगों को दिखाया जाएगा वन पीस का। लेकिन अगर हम लोग इसको भी सपोर्ट करें, अगर ये अच्छा हुआ तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा हुआ तो भी सपोर्ट करो, लेकिन अगर ये अच्छा हुआ तो आप लोग इसको ज़रूर सपोर्ट करो, शायद इसका भी हम लोगों को सीजन टू, सीजन थ्री और भी कुछ देखने को मिलेगा। मतलब अगर इसको सीजन वन के अंदर निपटाया जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे तो करेंगे, उनके ऊपर है। लेकिन पूरा जो डिपेंड करेगा वो होगा सीजन वन के सक्सेसफुलनेस के ऊपर, और हम लोगों को ये देखना है। और दोस्तों ये जो सीरीज है वो निकलेगा 2024 के फरवरी 22 को, और मैं दोस्तों इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब मैं इसको देखूंगा। और दोस्तों मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, यही मेन बात है, आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मुझको सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझको फायदा मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे से, तब तक के लिए जय हिंद।